दिल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही ओके, सो लेट्स हैव अनुपम। हाँ जी अनुपम, अनम्यूट कीजिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक आई हैव वेरी अमेजिंग शेयरिंग टुडे। तो लास्ट मैंने अभी 90 डेज का ग्रेटिट्यूड बुक पूरा कंप्लीट कर लिया विदाउट एनी वन डे ब्रेक। सो एक तो ये प्लस शेयरिंग मेरा ऐसा है सर कि मेरी वाइफ को लास्ट 3 ईयर्स से कुछ तो एलर्जी था सर, जो वो माउथ में कुछ भी मतलब मिर्ची वाला कोई भी तीखा चीज नहीं खा पा रही थी। और हम लास्ट में 3 साल से पूरा बॉम्बे के डॉक्टर्स, अहमदाबाद के बड़े बड़े डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल चुका था। और मेरी वाइफ मेरे को इस डॉक्टर के जाना है, उस डॉक्टर के जाना है, ये करना वो करना। सो देन यू नो व्हेन आई जॉइंड योर क्लास वन फाइन डे आई सो दिस कार्ड, आई एम हेल्दी। उस दिन से मैंने अपनी वाइफ को ये कार्ड उसको बोला कि दिन में 3 बार तेरे को ये पढ़ना है। प्लस उसको मैंने लिखा कि आई एम फाइन एंड वो उसको राइटिंग में भी करवाया ये पूरा। और मैंने खुद ने ये अफर्मेशन उसके लिए लिखा लास्ट 70 डेज से कंटिन्यूस। मेरी वाइफ शालिनी का माउथ अल्सर एंड एलर्जी पूर्णतया ठीक हो चुकी है एवं वह बिल्कुल नॉर्मल खाना खा सकती है। तो ये 70 डेज मैंने किया खुद ने और पूरा विजुलाइज किया उसके मुंह में जाके कि ये उसकी पूरा एलर्जी एकदम ठीक हो चुकी है, कंप्लीट एकदम वैनिश हो चुकी है। तो नाउ शी इज कंप्लीटली 90% ओके सर, एकदम परफेक्टली पूरा नॉर्मल खाना खा सकती है वो। सो ये बहुत बड़ा जो हमारा टेंशन था वो एकदम कंप्लीटली दूर हो चुका है ये अभी। सो ये मेरा मतलब 90 डेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है। प्लस जब भी मैं आपके सेशन में होता हूँ मेरा क्या ऑफिस टाइमिंग सर ये वाला ही रहता है एक्चुअली, मेरा 9:30-10 मेरा यूएस शिफ्ट है। तो बट आई मेक श्योर टू अटेंड योर सेशन सर, मेरा कॉन्फिडेंस 10x हो गया है 10x। और लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो मैं आपने बोला था कि मेक मनी यूअर डोमिनेंट थॉट अनुपम। सो आई एम करंटली वर्किंग ऑन मेकिंग मनी एज माई डोमिनेंट थॉट सर, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। वाओ, वेरी प्राउड, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा बढ़ गया है मतलब 90 डेज में। और मैंने एक दिन भी ये 90 डेज में एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया सर ये जर्नल। वेरी नाइस। अब जो है अनुपम आपको इसको रिपीट करना है, इसको बंद नहीं करना। नहीं करूंगा सर, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। ये जो शक्ति है हमारे शरीर में, हमारे माइंड में है, वो सब बाहर निकलती है, ग्रेटिट्यूड, विजुलाइजेशंस। देखिए कहाँ कहाँ गए, बंबई गए, अहमदाबाद गए, अल्सर की बीमारियां कितने साल से थी? मोर देन थ्री इयर्स से 3 साल से ज्यादा, वो पूरे कितना दवाई के ऊपर खर्चा कर दिया, स्टीरॉइड तक ले लिए थे सर, स्टीरॉइड्स ले लिए थे तो भी सर कुछ इंपैक्ट नहीं था उसका, स्टीरॉइड्स ले लिए मतलब भी नहीं लगा पा रहा डॉक्टर कोई कि क्या है प्रॉब्लम। अब डॉक्टर तो घर में ही बैठा है। यस, अरे में वो कहावत है ना, वो गली में क्या बगल में छोरा, और बगल में छोरा। सर आपसे कनेक्ट करवाने का एक आपसे मैं कनेक्ट कैसे हो, मेरे फादर इन लॉ इसी क्लास में सर, उन्होंने ही मेरे को आपसे कनेक्ट करवाया, सुरेश जी सोमानी, मेरे फादर इन लॉ भी इसी क्लास में है, वो डेली रहते हैं सर। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, वो आपसे कनेक्ट करवाया सर। अब ये पूरे पावर तो अंदर ही था, पावर अंदर ही था, कोई जरूरत नहीं। अगर देखिए इट इज सच अ पावरफुल शेयरिंग के 3 साल से, 3 साल से एकदम स्वस्थ हो जाएंगे आप कहते हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं
पूरी शक्ति तो यहां है, ये शक्ति तो यूज किया ही नहीं। जब उन्होंने ये शक्ति यूज करना शुरू किया, देखो कैसे रिजल्ट मिले। एब्सोल्युटली। और ये हम कहते जो कहते हैं वो एक्चुअली सब कुछ गीता में लिखा हुआ है, सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड, यू हैव टू यूज दिस। इसको यूज कैसे करना वो हम सिखाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो वे यू इन पेंच, पेंच में आप आए थे? नहीं सर, मैं नहीं आया था। ओके, सम यू आर आई जस्ट जॉइन दिस फ्रॉम द 60 70 डेज 90 डेज सर, 3 मंथ्स ऑलमोस्ट। यस, सो दिस इज द सेम थिंग। मतलब मेरा भी जो बुक है, मेरा बुक, एंड मैं आपके तरह कलरफुल लिखता हूँ सर पूरा। वाह, मजा आ रहा है? यस सर।